बच्चों कैसे हो आप? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। चलो बेटा, आज की वर्कशीट क्लास फिफ्थ की है, इंग्लिश की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 79, डेट है 25/9/2021। टेक्स्ट बुक है मैरी गोल्ड, यूनिट है माई शेडो। स्टूडेंट अपना नेम और अपने टीचर का नेम लिखोगे। चलो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज हमारी वर्कशीट है वह पोयम माई शेडो। ठीक है, हमारी क्या है एंड डूइंग द इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, एक अच्छी सी एक्टिविटी इंटरेस्टिंग करते हैं। लेट अस रिकॉल द पोएम, हम दोबारे पोएम को रिकॉल करते हैं। आंसर फॉर द क्वेश्चन, और उनके क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो राइट आंसर है ऑप्शन दी गई उस पर हमें टिक लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन, शैडो समटाइम्स गैट टेलर लाइक अ इंडियन बोल। क्या आएगा? इंडियन बोल। बी क्वेश्चन है, द फनिश थिंग अबाउट द शैडो इज द वे ही लाइक टू ग्रो। ये बेटा हमारी जो पोएम है माई शैडो, उससे ही वही है ये पोएम। आगे देखो, वेयर डिड द स्पीकर फाइंड द शनी ड्यू। वेयर कहाँ पे, कहाँ किसके बारे में बोला गया? ऑन एवरी बटर कप। ठीक है, किसके बारे में बोला गया? ऑन एवरी बटर कप। व्हाट डू यू थिंक योर शैडो लुक लाइक, कैसी दिखती है? जस्ट लाइक मी, मेरी जैसी। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ लेट, लेट का अपोजिट यानी उल्टा क्या होता है? लेट क्या होता है? देर से। तो लिटिल छोटा, अर्ली पहले, स्लो क्या है? बिल्कुल धीमे, यानी इन अर्ली जल्दी। लेट क्या होता है? अर्ली क्या होता है? जल्दी। ठीक है, अर्ली यानी लिटिल छोटा, अर्ली जल्दी। वेयर डिड द पोएट कंपेयर द लेजी लिटिल शैडो टू, किसे कंपेयर की है लेजी लिटिल शैडो को? इसने की है एन एरन स्लेपी हेड से। ठीक है, अपने बैड से की थी ना, स्लेपी हेड यानी बैड से। एरेंट क्या होता है बेटा? बैड होता है। उसके बाद क्वेश्चन बी, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली एंड यूज ए एन द टू फिल इन द ब्लैंक्स। ए एन फिल करना है इनके ब्लैंक्स में। देखो बेटा, एक मैं रिमाइंड कर देती हूँ आपको। आपको है जैसे आपको पता है ए और एन का यूज कहाँ होता है बेटा? ए और एन का यूज होता है, हमारा एन का यूज होता है जहाँ वोवल्स हो, यानी ए ई आई ओ यू, जहाँ पांच वोवल्स होते हैं। और ए का यूज होता है जहाँ बी, इनके इनको छोड़ के जो भी लेटर बजाते हैं, बी सी डी एफ जी एच, जो भी लेटर बजाते हैं उनके वहाँ पर ए का यूज होता है। जैसे एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, एरोप्लेन में ए आता है तो किससे स्टार्ट है? तो यहाँ क्या आएगा? एन। क्या आएगा बेटा? एन। अच्छी तरह फिल कर दो तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर? एन। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे आएगा बेटा एन। फिर मीना इज ईटिंग, मीना इज ईटिंग डैश आइसक्रीम। आइसक्रीम देखो आई, आई से स्टार्ट है तो क्या आएगा यहाँ पे? एन। फिर डैश बर्ड इज सीटिंग ऑन द ब्रांच, यहाँ से बर्ड है बी, यानी वोवल्स में नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा? ए। फिर है डैश बस इज स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड, बस है जो बी है वो किससे स्टार्ट है? कॉन्सोनेंट है, यानी वहाँ पे क्या आएगा? ए। यहाँ पर रोहन इज अ होल्डिंग डैश अम्ब्रेला, यू, अम्ब्रेला में यू से स्टार्ट है यानी वोवल्स है तो क्या आएगा? ए एन। फिर है सीमा इज पेटिंग डैश डॉग, तो क्या है? डॉग, डी, देखो डी किसे स्टार्ट है, क्या है? कॉन्सोनेंट है तो यहाँ ए। माई मदर इज ईटिंग डैश एप्पल, एप्पल देखो ए से स्टार्ट यानी ये क्या है? वोवल्स में आता है तो यहाँ एन। डैश है डी टू एंड हर मदर आर बेकिंग डैश केक, सी से केक, सी से स्टार्ट है तो यहाँ पर क्या आएगा? ए। आई भाव के सुझाव, बच्चों को पौष्टिक खाना और फल खाने के लिए प्रेरित करें, उनके साथ मिलकर फलों का सलाद बनाएं। COVID-19 से रिलेटेड मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस 6 फीट टू यार, दो गज की दूरी हमें बनाकर रखनी चाहिए। चलो बेटा, आज की वर्कशीट फिनिश होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।